गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हम लोगों ने पूरी तरह से आइसोमेरिज्म की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था. आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, और इनमें दोनों कैटेगरी ज्योमेट्रिक भी ले लिया था, ऑप्टिकल भी ले लिया था, और बेटा स्ट्रक्चरल के अंदर चार तरीके के. ठीक है, तो जस्ट लास्ट क्लास का अगर थोड़ा सा मैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के बारे में बताऊं, क्योंकि आयोनाइजेशन वगैरह जो आपका पहला आइसोमर्स था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये हमने पिछले क्लास में किया था. तो आज के लेक्चर आज हमारा चैप्टर बाइंड ऑफ हो जाएगा, आज हम खत्म कर लेंगे इसे. बस एक बार रिवाइज करा दूं मैं आपको. हम लोगों ने देखा था आइसोमर्स का मतलब ही होता था जिनमें क्या होता है बेटा, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट वही होता है बॉन्डिंग पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है. वो आइसोमर्स होते हैं अपने पास दो तरीके के, स्टीरियो होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका कंस्टिट्यूशनल, जिसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं हम लोग. तो स्टीरियो आइसोमर्स हमने देखा, तो स्टीरियो आइसोमर्स जो होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेस आर डिफरेंट, एटम का अरेंजमेंट क्या रहेगा स्पेस में डिफरेंट होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में. अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो कैटेगरी का होता है, एक ज्योमेट्रिक होता है, सेकंड वन इज द ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कैसे होते हैं, जिनको डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं. तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की खास बात क्या है बेटा, ये कौन से लिगेंड केवल शो करेंगे, जो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, हेट्रोलेप्टिक वाले कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे. अगली चीज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है इनके अंदर. ठीक है, ज्योमेट्रिक में. अब ज्योमेट्रिक में दो होता है, एक सिस आइसोमर्स, सेकंड वन इज द ट्रांस आइसोमर्स. सिस आइसोमर्स का मतलब अगर लिगेंड एडजेसेंट पोजिशन पे आइडेंटिकल लिगेंड ऑक्यूपाई होंगे तो सिस आइसोमर्स होगा, जो कि मैंने अपने तरीके से समझाया था. थोड़ा सिस पोजिशन, अगल बगल वाली पोजिशन सिस होती हैं. ठीक है बेटा, मतलब 90 डिग्री वाली सिस होती हैं और 180 डिग्री वाली ट्रांस होती हैं. हमने ऑक्टा के अंदर भी एक केस देखा था, समझा था. ठीक है बेटा, चलो. तो सिस आइसोमर्स का मतलब होगा आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजिशन, मतलब 90 डिग्री पे रहेंगे ये. ठीक है, और ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई अपोजिट पोजिशन, डेट इज एट 180 डिग्री, इनमें 180 डिग्री के ऊपर दिखाई देगा. अब उसमें भी हमने देखा था कि सिस जो होता है, सिस ट्रांस आइसोमर इज ऑब्जर्व स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टा, टेट्रा में कोई भी ऐसी दिखाई हमें नहीं देता है. ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टा की बात करो तो स्क्वायर प्लेनर में बेटा तीन ध्यान रखना है, A2B2. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें स्क्वायर प्लेनर, तो A2B2, A2BC है ना, ये केवल दो दो चार कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ये दिखाते हैं. A2B2 में सिस प्लेटिन आपका आता है, A2B2 अलग अलग टाइप का A2B2. ठीक है, और A2BC में अगर बात करो, और ये सब हमने पढ़ा ही था, अंदर की बात है, उतना सब डिटेलिंग वही है आपका, देख लेना एक बार. A2BC में B और C के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया. A देखो सेम साइड, A अपोजिट साइड, इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करो, तो इसमें सिस ट्रांस को समझा था हमने. तो ऑक्टा में तीन तरीके का देखो बेटा, A4B2, A4BC और A2B2, ये तीन हमारे लिए सिस ट्रांस दिखाते हैं. 90 पे डालोगे तो सिस है, अपोजिट डालोगे तो ट्रांस हो जाएगा, A4B2 टाइप का हो गया. नेक्स्ट देखो A4BC टाइप का, इसमें B और C के बेसिस पे किया था, दोनों एक साइड में आएंगे तो सिस है, दोनों अपोजिट साइड में आएंगे तो ट्रांस है. नेक्स्ट था हमारे पास MA2BII, ये कॉम्प्लेक्स के टाइप ध्यान में रहे हैं ना, दिमाग में बैठा तभी हो पाएगा. MA2BII, तो B2 है तो B को 90 पे डाला तो सिस है, अपोजिट डालोगे तो ट्रांस हो जाएगा. ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया था बेटा. इसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये होने के बाद ज्योमेट्रिक होने के बाद हम लोग आ गए थे बेटा आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सिस एंड ट्रांस. ये जब मैंने आपको कहा था, ये आपने बना लिया होगा आई होप, के NH3 को NH3 के बेसिस पे, NH3 90 पे डालोगे तो सिस है, अपोजिट डालोगे तो ट्रांस. सेकेंड हमने देखा था ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम लोग इनेंसियोमर्स भी बोलते हैं. ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कभी भी पॉसिबल नहीं है, चाहे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो चाहे टेट्रा, ये केवल किसके लिए पढ़ा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए. और होता क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर इनेंसियोमर्स. ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कायरल, इनमें कायरलिटी का होना जरूरी है. कायरल मतलब असिमेट्री, एसिमेट्री होनी जरूरी है, अगर सिमेट्रिसिटी आ जाती है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है. ठीक है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है इनके अंदर है ना, लेकिन वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कोई एक लेफ्ट में भेजता है एक राइट में, वो सब देखा था हमने. अब ऑप्टिकल में ऑक्टा में कौन दिखाएगा, MA थ्राइस टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो मिरर इमेज दिखाएगा आपका. ठीक है, ये ऑप्टिकल दिखा सकता है ना, ज्योमेट्रिकल ये नहीं दिखाता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस तरीके से दिखा देता है. फिर देखिए
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टिंग एज बोथ ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल, जो ज्योमेट्रिकल भी शो करता है और ऑप्टिकल भी। उसका एग्जाम्पल क्या है, MA2BB ट्वाइस, है ना, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स। तो अब ये कॉम्प्लेक्स बेटा दिमाग में रखने पड़ेंगे, बिना इनके आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा। आज क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, जो भी क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। तो देखो इधर डाल दिया, सिस वाला है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्जम शो करेगा, लेकिन अगर ये ट्रांसफॉर्म में कर देता मैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आती तो इनएक्टिव हो जाता। उसको यहाँ भी इसने दिखाया है, ठीक है, यहाँ भी दिखाया है उसने कि अगर सेम साइड में है तो सिस है तो इसका बना है, लेकिन ट्रांस कर दिया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये होमवर्क के फॉर्म में दिया था, आई होप कि आपने कर लिया होगा। ड्रॉ इनेंसियोमर स्वाप CROX ट्राइस के ऊपर -3, तो सेम ऐसे ही बनाना है बेटा। यहाँ EN है, EN की जगह पे क्या है, यहाँ पे ऑक्जुलेट है, तो जहाँ जहाँ EN है वहाँ वहाँ OX लिख दो और इस तरीके से मिरर इमेज बना लो। बन गया इसका आंसर इनेंसियोमर से, ठीक है। ड्रॉ इनेंसियोमर एंड सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ CRH2O2, तो ये सेम ये वाला है। देखो CL की जगह पे क्या आ गया आपका, CL की जगह पे बेटा यहाँ पे H2O आ गया, ठीक है, और EN की जगह पे क्या आ गया आपका, OX आ गया। मतलब बेसिकली ये MA2BB2 टाइप का है, इस तरीके का है। तो इसका क्या बनाना है, इनेंसियोमर सिस एंड ट्रांस आइसोमर, तो यहाँ बना हुआ है। देखो यहाँ H2O रख दो, यहाँ H2O रख दो, देखो H2O है ना, एक H2O यहाँ रख दो, एक H2O यहाँ रख दो, यहाँ OX कर दो, यहाँ OX कर दो, तो इसका बन गया सिस फॉर्म। और इसी का ट्रांसफॉर्म बनाना है तो बेटा यहाँ पे OX रख दो, यहाँ पे ये भी ट्रांसफॉर्म भी बनाया हुआ है अपने पास कॉपी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा सिस एंड ट्रांस, और इनेंसियोमर दिखाना है तो बस मिरर इमेज दिखा दो, ट्रांस ही हो जाएगा। क्लियर है क्या ये हमारा, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चरल की बात करूँ तो हमने पहले ही पढ़ा था लिंकेज होगा। लिंकेज के अंदर क्या होता है बेटा, एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, है ना, जो अपने लिगेंड के बिहेवियर, कभी NO2 है तो दूसरे वाले में ONO से जुड़ा हुआ रहेगा। आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल होता है। इसके बाद हम लोगों ने आयोनाइजेशन देखा था, जिसमें क्या होता है, सॉल्यूशन में डालने पे अलग अलग आयन्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ये ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस करेगा तो ये वाला हमारे लिए सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। एक में ब्रोमाइड, अंदर सल्फेट बार, अंदर बार एक ही आयन, अंदर और बार दिखाई दे तो आयोनाइजेशन होता है। कोऑर्डिनेशन के लिए कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होना चाहिए। अब इनमें लिगेंड एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं तो केटायनिक होता है। मतलब जहां भी दो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। सॉल्वेट के लिए, सॉल्वेट का रोल क्या है, सॉल्वेट के लिए आपका हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, वाटर अंदर होना चाहिए और वाटर बाहर। वाटर एक बार अंदर दिखाई दे एक बार बाहर तो सॉल्वेट आइसोमर्स कहलाता है, ठीक है। अब हम लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक ये टॉपिक बचा है और एक एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही दो चीजें हमारे पास बची हुई हैं। तो पहले हम लोग आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं इनके अंदर, उन क्वेश्चंस को बेटा हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो भी हमारे पास आइसोमेरिज्म से बेस्ट प्रॉब्लम है किताब के अंदर, वो सब सॉल्व करते हैं। ये हमारा डन है, कंप्लीटेड है, इसको हम लोग करते हैं आज। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर, इनमें से कौन सिस और ट्रांस आइसोमर की तरह एग्जिस्ट करता है, सॉल्व करना है, कैसे होगा बताओ। कौन ऐसा है जो सिस और ट्रांस आइसोमर की तरह एग्जिस्ट करेगा इस कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले सिस ट्रांस बनने के लिए बेटा हेट्रोलेप्टिक होना कंपलसरी है, हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। अब देखता हूं मैं, पहला क्या है, MA2 MA2B4, तो क्या MA2B4 बना सकता है कि नहीं बना सकता, आराम से बना सकता है। इस ए को एक बार सिस पोजीशन पे इस तरीके से डाल दो, और इस बार एक इस ए को एक बार अपोजिट पोजीशन पे डाल दो, तो ये तो बनाएगा बेटा सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट देखो MA5B, ये बना सकता है क्या, MA5B कभी भी सिस आइसोमर सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में आप सिस ट्रांस बताओगे, कम से कम दो लिगेंड ऐसे होने चाहिए जो डिफरेंट हो, तो ये हमारा सिस आइसो सिस ट्रांस शो करने वाला नहीं है। MA2B4 करेगा, ये तो दिया भी है किताब के अंदर, पर इन द फॉर्म ऑफ माई लैंग्वेज आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन भी देते हुए जा रहा हूँ। A4B2 करता जाएगा, ठीक है, A2B4, ये देखो A5B है तो ये कभी भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो A2B2 स्क्वायर प्लेनर, तो बेटा MA2B2 स्क्वायर प्लेनर आराम से करेगा, सिस प्लेटिन टाइप का हो गया ना ये, तो सिस प्लेटिन टाइप का तो ये करेगा ही, A2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो A2B2 वाले भी करेंगे, ठीक है। इवन हम लोग लिख लें अगर कौन कौन से शो करते हैं, तो कौन कौन से शो करते हैं बेटा जो हमारे सिलेबस में है, एक तो A4B2 करता है, ठीक है, उसके बाद MA2B2 भी करता है, दो ये हो गए, और उसके बाद हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है
किताब में जितना दिया है मैं बस उतना ही बताऊंगा, और किताब में हमारे कौन से दिए हैं उनको उनको लिख देता हूं मैं यहाँ पे। देखो ए फोर ए टू बी टू ए टू बी सी, ठीक है, ये चार कोऑर्डिनेशन नंबर के तो केवल ये दो दिए हैं, और आठ में ए फोर बी टू ए फोर बी सी और ए टू ट्वाइस बी टू, ठीक है। तो इनको हम लोग लिख लेते हैं, ए फोर बी टू हमारा शो करेगा, ए टू बी टू भी शो करेगा, उसके बाद एम ए ए टू बी सी ये भी करेगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर चार में ए टू बी सी ये भी करेगा, तो चार के तो ये दो हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर चार के, ये दोनों शो करने वाले हैं, एम ए फोर बी टू शो करेगा, ठीक है, ए फोर बी सी भी शो करेगा और ए ट्वाइस बी टू, एम ए फोर बी सी ये भी शो करेगा और आपका एम ए ट्वाइस बी टू ये भी शो करेगा। तो चार वाले ये हैं और छह कोऑर्डिनेशन नंबर के ये हैं, तो बस ये कॉम्प्लेक्सेज हैं जो हमारे सिस ट्रांस शो करते हैं, ठीक है। तो फाइनल आपको टेबल यही ध्यान रखना है बेटा। तो ये तो फर्स्ट वाला तो कर ही रहा है, थर्ड वाला भी कर रहा है हमारे लिए, फर्स्ट वाला तो कर ही रहा था, सेकंड नहीं कर रहा है एम ए फाइव बी, थर्ड वाला हमारे लिए करेगा ए टू बी टू है तो इसके देखो तो ए टू बी टू, लेकिन एक टेट्राइडल लिखा है तो बेटा टेट्राइडल तो कभी भी नहीं शो करता ना, टेट्राइडल लिख दिया मतलब ये शो नहीं करेगा, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर कायरल, अब कायरल के लिए भी फिक्स है, कायरल के लिए भी हमारे पास क्या दिया है बेटा किताब में जो दिए उनको देखो, कायरल के लिए ये तो सिस ट्रांस से कायरल के मतलब नहीं होता, कायरल हमारा कहाँ से डिसाइड होता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमर से, और एम ए थ्राइस का ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है और दूसरा एम ए टू बी बी ट्वाइस वाला इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर बना है, तो ये दो हमारे लिए बस लिखने हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से एम ए थ्राइस, देखो कौन कौन से, एक तो आ गया एम ए थ्राइस, एम कायरल कौन कौन सा दिखाएगा एम ए थ्राइस प्लस माइनस एम, एक तो ये कॉम्प्लेक्स दिखाएगा, दूसरा एम ए टू बी बी ट्वाइस ये दिखाएगा प्लस माइनस एन, ये ही दो कॉम्प्लेक्सेज हैं बेटा जो हमारे लिए दिखाते हैं कायरलिटी को, ये दो कैटेगरी के आ जाएंगे तो कायरल आंसर करना, और इनमें से कोई आ जाएगा तो ये ज्योमेट्रिकल करेंगे, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मतलब इन द सेंस सिस ऑब्लिक ट्रांस, तो सिस ट्रांस दिखाने के लिए इनमें से कोई होना चाहिए, ठीक है। फाइनली ये हमें ध्यान रखना है, सिस ट्रांस दिखाने के लिए इनमें से कोई होना चाहिए, और कायरल शो करने के लिए एम ए थ्राइस या एम ए टू बी बी ट्वाइस इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। कहाँ भी आपका दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये था आपका एम ए टू बी बी ट्वाइस, एक तो ये होना चाहिए या एम ए थ्राइस, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तो अब हमारा आंसर बेटा आ जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज आर कायरल, कायरल कौन से हैं, तो एम ए टू बी टू, तो एम बी बी टू हो ऐसे लिखा जाए, या इसको बेटा और करके एम ए टू बी टू लिख दो तो भी कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है, बस ये है कि लिगेंड कोई एक होना चाहिए जो बाइडेंटेड हो, तो एम ए टू बी टू मतलब ये तो शो करेगा कायरल होगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखो एम ए बी टू ये तो नहीं होने वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर कभी भी कायरल में नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो गया ना, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो गया और फोर वाला तो कभी भी बेटा कायरल नहीं होते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। एम ए थ्राइस तो एम ए थ्राइस ये करेगा, ये एम ए थ्राइस वाला, ये देखो एम ए फोर बी टू, ए फोर बी टू इनमें भी नहीं होता क्योंकि इसमें भी सिमेट्री आ जाएगी, और ए फोर बी टू अगर इसकी बात करो ए फोर बी टू को, तो ये ए फोर बी टू देखो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो कायरल कौन सा हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आई होप कि आप समझते हुए चल रहे हैं क्या करना है, कायरल के लिए ये देखो ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस पूछे तो इन कैटेगरी से कोई होना चाहिए, बस ऐसे डिसाइड करो आंसर्स को, ठीक है। तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव अब हो गए कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई नहीं छूटा, इसमें आ जाओ। अब देखो प्रेडिक्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं, प्रेडिक्ट वेदर दी सी आर ई एन ट्वाइस एच टू ओ ट्वाइस कॉम्प्लेक्स इज कायरल, कायरल है कि नहीं है, तो देखो बेटा सिंपल है, मेटल एम है, ए ट्वाइस है, ठीक है, इथाइलिन डायमिन बाइडेंटेड है ना, ए ट्वाइस बी टू प्लस माइनस एन, तो क्या ये कायरल है कि नहीं है बताओ, ये तो कायरल है,
कॉम्प्लेक्स क्या है, ए टू ए ए टू बी टू वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, कायरल होता है, तो ये कायरल है, तो प्रेडिक्ट वेदर कायरल है कि नहीं तो हम बोलेंगे कायरल है। व्हाट राइट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स इनेंसियोमर्स, तो इसके इनेंसियोमर का स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो ए टू बी टू में कैसे बनाओगे, एक बार बी बी को अगल बगल में बनाओगे तो इसका सिस फॉर्म बेटा इनेंसियोमर दिखाएगा लेकिन ट्रांसफॉर्म इसका इनेंसियोमर नहीं दिखाएगा। तो इसका आंसर ये दिया हुआ है किताब में, ये आंसर है इसका, देखो इस टाइप का। बस Cl2 की जगह पे, Cl की जगह पे क्या रख देना है आपको उठा के, Cl की जगह पे उठा के बेटा H2O रख देना है। देखो ये Cl है, Cl की जगह पे H2O, Pt की जगह पे Cr, Cl की जगह पे आपको H2O रखना है और En तो पहले से ही है, ठीक है। तो जैसा इसका बना स्ट्रक्चर सेम यही बना देना है, Cl की जगह H2O, En की जगह पे En ही रहेगा आपका, तो इनेंसियोमर इमेज भी बन जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो कंसिडर द कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस, वट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिस टू कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट, तो बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, यहाँ भी देखो कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स इनमें कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन होते हैं, तो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होते हैं। तो यही क्वेश्चन है ये कि आपका ये कॉम्प्लेक्स देखो सी यू, देखो बस क्या किया, इसका सी एल फोर यहाँ भेज दिया, इसका एनएस3 यहाँ भेज दिया, तो लिगेंड का एक्सचेंज है, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो दिस विल बी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, तो कैसे आइसोमर्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो मेंशन टू एप्लीकेशंस, तो इसको तो अभी पढ़ लेते हैं हम लोग, अभी ये बचा हुआ है ना टॉपिक, ये हो गया अपने पास पूरा कंप्लीट, इधर हो गया ये देखो 6 नंबर वाला क्वेश्चन ये बचा है, वॉट आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, तो क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स विच गिव डिफरेंट आयन ऑन डिजॉल्विंग इन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, है ना। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स की डेफिनेशन यही दी है, जिनमें एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्पेयर, दीज कॉम्प्लेक्सेज इन सॉल्यूशन आयोनाइज टू गिव डिफरेंट आयंस, उनको आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। ये आप चाहो तो एग्जाम्पल भी मैंसन कर सकते हो इसी एग्जाम्पल को, क्लियर है क्या, चलो तो हो जाएगा गिव एन एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी दे दिया हमने, चलिए आगे देखते हैं, आगे आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ ये देखो, ड्रॉ आइसोमर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आइसोमर्स बनाने बेटा किसका है, ये देखो क्या है, एम ए टू और बी सी, ये क्लोराइड अलग है, NO2 अलग है, तो एम ए टू बी सी का क्या बनाना है बेटा, आइसोमर, तो क्या बना सकते हो, किताब में दिया हुआ है Ma2BC, देखो बस ये नाम बदलेंगे, है ना, नाम बदलेगा लिगेंड में, लिगेंड के नाम बदलेंगे, नेचर वही रहेगा Ma2BC, तो Ma2BC का हम लोगों की किताब में दिया ही है स्ट्रक्चर, Ma2BC का स्ट्रक्चर दिया है किताब में, किस तरीके से बनाना है बेटा, ये रहा देखो Ma2BC टाइप का, Ma2BC टाइप का यही है ना, A2BC इसी के जैसा है ये, बस A2BC यहाँ पे देखो, A2NH3 था, H2O और Cl था यहाँ पे, और यहाँ पे बस आपका क्या है, देखो Cl और NO2 है, ठीक है। तो A2 की जगह पे यहाँ क्लोराइड था, B और C, तो इस तरीके से बस बना लेना इनका, बस जगह बदल देना, यहाँ Cl की जगह पे क्या कर दोगे, NH3 कर देंगे, Cl की जगह पे NH3 और बाकी NH3 और यहाँ यहाँ इन दोनों लिगेंड को डाल दो, Cl और NO2, तो बन जाएगा ये, तो ये डन है, ठीक है। कहाँ से डन है, ये वाला PtNH3 H2O Cl2, ये वाला कॉम्प्लेक्स है A2BC टाइप का, तो मैं हिंट देते हुए जा रहा हूँ, आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। इसमें देखो ये क्या है बेटा, M मेटल हो गया, ये देखो क्या है, A4B2, तो Ma4B2 का भी तो सिस ट्रांस बना दोगे, 90 डिग्री पे डाल दोगे तो सिस, और BB अपोजिट में डाल दोगे तो ट्रांस बन जाएगा। देखो ये रहा एग्जांपल Ma4B2 टाइप का, बगल बगल में डाला तो सिस, 90 पे डाले तो ट्रांस, तो इसमें क्या करना, एक बार Cl को बगल में डाल दो, ये शायद ये यही दिया है सेम, देखो यही दिया है, बस कोबाल्ट की जगह पे क्या कर दिया है, Ru कर दिया है, तो सेम यही एग्जांपल है, कोबाल्ट की जगह पे Ru हो गया NH3 4 Cl2, तो हो जाएगा ये भी आइसोमर्स बन जाएगा। और नेक्स्ट ये देखो ये क्या है आपका, Ma2B2 प्लस माइनस एन यहाँ भी लगा लो, प्लस माइनस एन यहाँ भी, तो ये देखो Ma2B2 का भी बनाना आइसोमर्स, तो Ma2B2 का भी बेटा दिया अपने पास, तो Ma2B2 ये रहा देखो, Ma2B2 टाइप का ये रहा, Ma2B2 टाइप का, तो Ma2B2 टाइप का कैसे बनाना है, BB को बगल में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा सिस, और BB को अपोजिट में डाल दोगे तो ट्रांस, तो यहाँ से देखिए
बना सकते हैं। आई होप कि आप सबको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ चीज़ें कैसे करनी। ई एन एन यही रहेगा, देखो ई एन बी आर की जगह पे केवल एक बी आर यहाँ, एक बी आर यहाँ, एक बी आर ऊपर, एक बी आर नीचे, तो ये भी बन जाएगा। इसका भी आइसोमर बन जाएंगे, सिस्टांस आइसोमर बन जाएंगे ना इनके भी। चलिए तो ये हमारा डन है। मतलब लास्ट देखो, ये ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड इनेंसियोमर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कौन सा है बेटा, एम ए थ्राइस ही तो है, एम ए थ्राइस के ऊपर प्लस माइनस एन, और ये देखो एम ए ट्वाइस बी सी है। तो क्या इन दोनों का हमारे पास है कि नहीं है बनाने का तरीका, इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना है। तो एम ए थ्राइस का तो ज्योमेट्रिकल होता है ना, इसका केवल क्या होता है, ऑप्टिकल होगा, ओनली ऑप्टिकल। इसका केवल आपको ऑप्टिकल बनाना पड़ेगा, ओनली ऑप्टिकल, ठीक है। एंड इनेंसियो ऑप्टिकल है तो इनेंसियोमर्स है मतलब। और ए टू बी सी वाले का क्या बनाओगे, इसका आपको ज्योमेट्रिकल बना सकते हो। देखो एम ए थ्राइस, एम ए थ्राइस का ऑप्टिकल इस तरीके से बनेगा। क्या दिया है, पी टी एन थ्राइस, तो बस यहाँ जो कोबाल्ट लिखा है इसकी जगह पी टी लिख दो और तीन ई एन इसी तरीके से लगाना है घुमा के, तो बन जाएगा ये एम ए थ्राइस का बन जाएगा ये। इस तरीके से इमेज बस बनाना है, कोबाल्ट की जगह पी टी रख दो, ई एन ई एन तीन जगह पे लगा दो, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए वर्क आपका, है ना कॉपी में। तो ये बन जाएगा पी टी रख दो, कोबाल्ट की जगह ई एन ई एन इस तरीके से लगा लो, बन जाएगा ये देखो एम ए टू बी सू बी सी। तो देखो ये इस टाइप का हो गया, कौन सा है एम ए टू बी सी। अच्छा तो इसका ऑप्टिकल तो नहीं दिखाएगा बेटा, ये ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, तो कौन सा दिखाएगा, ये केवल ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, ओनली ज्योमेट्रिकल। इसका केवल आपको ज्योमेट्रिकल बनाना होगा, क्योंकि ऑप्टिकल में तो हमारे पास फिक्स है, ऑप्टिकल या तो ए थ्राइस वाला दिखाता है या तो ए टू बी बी ट्वाइस वाला दिखाता है, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स किस नेचर का हो गया, ए टू बी सी, तो ए टू बी सी वाला कौन सा बनाएगा, ए टू बी सी वाला। अगर ए टू बी सी की बात करो, अपने सिलेबस में था कि नहीं था, ए टू बी सी, ए टू बी सी वाला नहीं दिया था, चलो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लो ए टू बी सी ये वाले इसी टाइप का कैटेगरी का है। अब इसको मैं लास्ट वाला बना देता हूँ, ये देखो ये आपके किताब में नहीं दिया है ना, कहीं भी किताब में ये कॉम्प्लेक्स नेचर का नहीं दिया है, ए टू बी सी टाइप का कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नहीं गिवन है। कोई बात नहीं, लो इसको बना सकते हैं अगर नहीं दिया है तो भी, अंदर तो एक्सप्लेनेशन में कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, ए टू बी सी टाइप का कहीं नहीं दिया है कॉम्प्लेक्स, फिर भी हम लोग बना तो सकते हैं, देखो कैसे बनेगा। अब इसको मैं बना देता हूँ, ये लास्ट वाला देखो, एम ए टू बी सी बनाना है इसका बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाना है। किस तरीके से दिखाओगे, ये मेटल हो गया, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सिक्स, तो छह लिगेंड है ना, तो बी और सी को देखो, बी यहां दिखा दो, सी यहां दिखा दो, ठीक है। और ए ए बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो एक लिगेंड यहां से, एक लिगेंड यहां से, और दूसरा ए यहां से ले लो, तो एक इस प्लेन से दिखा दो और एक नीचे से दिखा दो इस तरीके से। तो ये देखो ये कौन सा फॉर्म बन गया इसका, ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये इसका बी और सी यहाँ पे मैंने डाला है, तो दिस इज सिस फॉर्म, ये इसका सिस फॉर्म बन गया। और इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म बनाना है तो कैसे बनेगा बोलो, ये मेटल है, एक बी को ऊपर दिखा दो, एक सी को नीचे दिखा दो, और यहाँ पे देखो जो बाइडेंटेड लिगेंड है, एक यहाँ से लिंकिंग करा दो और एक बाइडेंटेड लिगेंड की यहाँ से लिंकिंग करा दो, तो इन चारों को एक प्लेन में ले लो, ये जो लिगेंड है ये एक प्लेन में आ गए और ऊपर नीचे, तो अपोजिट साइड में दिखाई देगा, तो ये ट्रांस हो जाएगा, बस ऐसे बन जाएगा। बस मेरा ए की जगह पे ई एन एन लिख देना, ठीक है, और बी सी जहाँ पे मैंने लिखा है एक जगह पे क्लोराइड, एक जगह ब्रोमाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड बस लिख दो, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देखो सेम यही वाला कॉम्प्लेक्स है, यही वाला है, फर्क बस ये है कि इसमें सी एल सी एल था बेटा, यहाँ सी एल सी एल की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, एक जगह पे सी एल आ जाएगा और एक जगह पे बी आर आ जाएगा, एक जगह सी एल एक जगह बी आर, एक जगह सी एल एक जगह बी आर, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये ट्रांस वाला तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये वाला ट्रांस वाला मतलब इसका ऑप्टिकल नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसका मिरर इमेज भी बनाना पड़ेगा। तो इसका मिरर इमेज ऐसे ही बन जाएगा जैसे ये बना है, सिमिलर क्वेश्चन है ना, कुछ अलग नहीं, इसी तरीके से मिरर इमेज बन जाएगा। आई होप कि ये वाला भी क्लियर हो गया किस तरीके से करना है, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया आपके कॉपी में इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसका ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका बगल में जस्ट इस तरीके से करके मिरर इमेज भी हम लोग बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज हमने पूरी तरीके से आइसोमेरिज्म के ऊपर कंप्लीट कर ली है,
लास्ट के क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस हमारे अभी पढ़ने ही हैं, इन्हीं दोनों चीजों को बचा हुआ है। तो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया आइसोमेरिज्म की। तो अब आपके टेक्स्ट बुक में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा। नोटबुक जो बना रहे हो उसके अंदर पूरी तरह से एक्सरसाइज की एक एक क्वेश्चन पूरी कॉपी कंप्लीट करिए और सबमिट करेगा, मैं चेक करूंगा ये कॉपी आप लोगों की, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बस जो थोड़ी सी चीजें, एक दो चीजें बची हैं अपने पास, उनको देख लेते हैं। क्या बचा है बस अब अपने पास कि किस तरीके से हमारा लिगेंड जो होता है, लिगेंड की स्ट्रेंथ को कैसे देखते हैं। तो बस ये लास्ट टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और एक चीज हमारे पास क्या बचा है, एप्लीकेशंस देखना, उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो देखो ये हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये नाइन्थ हम लोग दे देते हैं नाइन्थ नंबर पे, क्योंकि हम लोगों ने जो आइसोमेरिज्म देखा था बेटा, आइसोमेरिज्म को मैंने 8 नंबर का दिया था ना, 8 नंबर का पॉइंट, तो ये 9 नंबर का है, लास्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं, एकदम सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन बाई नोइंग देयर स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। किससे निकाला जाता है बेटा, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को देखते हुए, By knowing their stability constant, ठीक है। The stability is governed by metal ligand interaction. कैसा metal और ligand में किस तरीके का interaction है, उसके हिसाब से stability को decide किया जाता है। अगर metal ligand interaction ज्यादा अच्छा होगा बेटा, तो stability उस complex की उतनी ही ज्यादा होगी। तो stability constant से decide किया जाता है, stability is governed by metal ligand interaction, ठीक है। आगे देखो, in this the metal serve as electron pair acceptor, हमें पता ही है मेटल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम करता है, वाइल जो लिगेंड है वो लिगेंड लुइस बेस की तरह काम करता है। ये हमने बहुत पहले ही देखा था स्टार्टिंग में चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, कि मेटल एक्ट एज ए लुइस एसिड क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, लिगेंड एक्ट एज ए लुइस बेस क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। वही लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो लुइस बेस की तरह काम करता है। आगे देखो, द मेटल लिगेंड इंटरेक्शन कैन बी रियलाइज्ड एज द लुइस एसिड बेस इंटरेक्शन। किसकी तरह इसको ट्रीट किया जाता है, लुइस एसिड लुइस बेस इंटरेक्शन की तरह, कैन बी रियलाइज्ड एज लुइस एसिड बेस इंटरेक्शन की तरह इसको समझा जा सकता है। देखिए, स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यही मेन चीज है जो मैं, जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा मेटल लिगेंड के बीच में, ये मेटल है बेटा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये लिगेंड है जिसके पास लोन पेयर होता है, ये जितनी आसानी से अपने लोन पेयर इसके अंदर दे देगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी इस कॉम्प्लेक्स की बन जाती है, ठीक है। तो यही हमारा स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट है, कि मेटल लिगेंड इंटरेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना अच्छा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। अब देखो समझाता कैसे ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से समझाया इसने। कंसीडर द इक्विलिब्रियम फॉर द मेटल लिगेंड इंटरेक्शन, ये मेटल लिगेंड इंटरेक्शन एक दिखा रहा है। मेटल बेटा एम ए पॉजिटिव है, मेटल के ऊपर कुछ अपना चार्ज होगा, ये मेटल का चार्ज है, प्लस एन लिगेंड्स आ रहे हैं लिगेंड के ऊपर, माइनस एक्स का चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज है मेटल और लिगेंड जो है, लिगेंड तो निगेटिवली चार्ज है ना, चार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 4 लिगेंड आएंगे, 6 होगा तो 6 लिगेंड। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस लिगेंड के ऊपर निगेटिव चार्ज, और ये इसके साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इंटरेक्शन में रहेगा इस तरीके से। देखो एम एल एन, एम एल एन मतलब कितने भी हो सकते हो, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, ए प्लस जो इसका चार्ज है, और प्लस ये ए प्लस चार्ज किसकी वजह से हो गया, ये मेटल का ऊपर का चार्ज, और प्लस लिगेंड के ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा बेटा, एक लिगेंड के ऊपर माइनस एक्स है तो एन लिगेंड के ऊपर एन इंटू माइनस एक्स, एक्स माइनस, तो इस तरीके का इंटरेक्शन। ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको किताब में होगा शायद, तो इस तरीके से कंसिडर द इक्विलिब्रियम फॉर द मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। तो मेटल जब लिगेंड से बॉन्ड करने आता है तो इस तरीके से सपोज करिए कि एक कॉम्प्लेक्स को बना रहा है। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब यही सब बताया उसमें, देखिए वेयर ए एक्स दिस डिनोट्स द चार्ज ऑन मेटल, ए जो है वो चार्ज ऑन मेटल को बताता है, एक्स जो है ये चार्ज ऑन लिगेंड पे बताता है, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर वाला चार्ज लिखा है ए पॉजिटिव प्लस एन एक्स निगेटिव, ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स के ऊपर बताता है रिस्पेक्टिवली। नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज गिवन बाय, अब इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं पूछूं तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ऊपर क्या आएगा
MLN के ऊपर ये आ जाएगा प्रोडक्ट की तरीके से ऊपर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में MA पॉजिटिव और L माइनस उसके कोएफिशिएंट N है तो कोएफिशिएंट कहाँ जाता है पावर के फॉर्म में। ये तो क्लियर है, ये तो लिख ही सकते हो ना। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आ गया और रिएक्टेंट नीचे आ गया। दिखाने का तरीका थोड़ा अजीब है पर करना तो काम वही है जो हम लोग कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए आगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ के। इस के टर्म्स में स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ के। हाइयर द वैल्यू ऑफ के, जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी जो मैं बता रहा था अभी, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ के लार्जर इज द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो इस के की वैल्यू हाइयर कब हो सकती है बेटा, जब ऊपर वाला चीज प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा और रिएक्टेंट का कम हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लिगेंड में कन्वर्ट हो और ज्यादा लिगेंड अगर बन रहा है तो लिगेंड अगर ज्यादा बेटा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है इसका मतलब क्या है, उतना ही अच्छा लिगेंड है, वो उतना ही अच्छा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जितना ज्यादा ऊपर का कॉम्प्लेक्स का बनेगा कंसेंट्रेशन ज्यादा उतना अच्छा। तो इस के की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कॉम्प्लेक्स को उतनी ही ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मिलती है। हायर इज द वैल्यू ऑफ के लार्जर इज द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो क्लियर है ये बात, यही हमारा मेन उद्देश्य है समझने का, यही से हम स्टेबिलिटी को जज करते हैं। तो देखिए द इक्विलिब्रिया फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद करेस्पॉन्डिंग के वैल्यूज आर गिवेन बिलो। कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं बेटा, कुछ कॉम्प्लेक्सेस और उनके के की वैल्यू दी है, करेस्पॉन्डिंग के की वैल्यू। तो जिसके के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेटा उस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो देखो पहला दिया ए जी प्लस प्लस टू सी एन से के 5.5 × 10^18। सेकेंड दिया है सी यू 4 CN तो के 2.10^27। कोबाल्ट का 6 NH3 के साथ दिया है बेटा 5 × 10^2। अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, देखो आगे का 10^18, 27 और 33, तो सबसे बड़ा नंबर तो यही दिख रहा है ना मुझे 10^33। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और एक चीज और देखो, जिसके के की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, लास्ट वाले की। तो देखो फ्रॉम द अबव डेटा CONH3 6 इज मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस। समझे क्या, क्या समझ में आया अब डेटा से, जो ये लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है ये वाला इज मोर स्टेबल देन AgCN2S एंड दिस। तो बस यही है स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट का, एकदम सिंपल सा स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार बस मैं बता देता हूँ स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं बेटा, उसके स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट से चेक किया जाता है। और स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट किसके ऊपर से डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन कैसा है। और मेटल लिगेंड इंटरेक्शन से मीनिंग क्या है, लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन, कितना जल्दी मेटल लिगेंड्स अपने लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अगर मेटल लोन पेयर लिगेंड से जल्दी से एक्सेप्ट करेगा तो उतना स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जितना स्ट्रॉन्गर इज द इंटरेक्शन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो उससे स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट निकाला जाता है इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का। तो अगर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ज्यादा आएगा तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये तीन डेटा हमें दिया, इन तीनों में कंपेयर किया हमने, तो हमें क्या मिला, लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है रेदर की बाकी दोनों से। तो ये स्टेबिलिटी का तरीका होता है चेक करने का, ठीक है। तो ये हम लोग 9 देख रहे थे, तो बेसिकली इसको 9.1 कर देते हैं, ठीक है 9.1, और ये 9.2 कर देते हैं, इसको 9.2। तो देखो 9.2 में क्या दिया है, फैक्टर्स विच गवर्न स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को गवर्न करते हैं, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल होगा कितना नहीं होगा, वो कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से तो आप क्या डिसाइड करते हो बेटा, कितना स्टेबिलिटी होगा। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको गवर्न करते हैं, तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज गवर्न बाई, ध्यान से देखना किससे किससे गवर्न होता है, चार्ज टू साइज रेशियो। सबसे पहला चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड, एंड बी जो पार्ट है वो चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन, जो मेटल आपका रहेगा उसका चार्ज और साइज का क्या रेशियो आता है, मेटल आयन के चार्ज और साइज का क्या रेशियो आता है उसके ऊपर भी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। और दूसरा नेचर ऑफ लिगेंड कैसा आ रहा है, लिगेंड कैसा आ रहा है बेटा, स्ट्रांग फील्ड वाला लिगेंड आएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा देगा, वीक फील्ड वाला लिगेंड आएगा तो स्टेबिलिटी कम देगा। और चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन, तो ये डायरेक्ट बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन। इसमें देखो क्या दिखाया है, इसने क्या बता रहा है, हाइयर इज द रेशियो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। ये पॉइंट ध्यान में रखो, चार्ज टू साइज रेशियो जितना ज्यादा होगा बेटा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऊपर क्या लेना है चार्ज, नीचे क्या लेना है बेटा साइज,
तो मुझे पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाना है बेटा, तो कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, कब लुईस बेस एसिड बेस इंटरेक्शन कब ज्यादा होगा, अगर चार्ज ज्यादा है के टाइम पे तो जल्दी से खींचेगा अपनी तरफ, और ज्यादा तेजी से खींचेगा मतलब उतना स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो, तो जितना ज्यादा चार्ज ज्यादा होगा उतनी तेजी से खींचेगा। और साइज छोटा हो तो भी पता है आपको, देखो ना एक मान लो एक छोटे साइज का है और एक में चार्ज ज्यादा है और वो छोटे साइज का है, और ये मान लो चार्ज कम है और ये थोड़ा बड़े साइज का है, किस कौन ज्यादा खींचेगा तेजी से, तो बेटा हमें पता है जितना ज्यादा चार्ज होता है उसका अट्रैक्शन उतना तेज होगा लिगेंड की तरफ, क्योंकि लिगेंड निगेटिवली चार्ज है और चूंकि साइज छोटा है तो भी तेजी से खींचेगा। तो जिसका चार्ज बाई साइज रेशियो ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब एक्सपेरिमेंटली कुछ डेटा निकाले गए हैं जिनको ध्यान में रखना है। फॉर द डाईवेलेंट मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है, देयर स्टेबिलिटी शोज द ट्रेंड। अब ये स्टेबिलिटी का ट्रेंड आपको ध्यान ही रखना है, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। डाइवेलेंट मेटल आयन के लिए स्टेबिलिटी का ट्रेंड है, कॉपर सबसे ज्यादा, निकल उससे कम आता है, कोबाल्ट उससे कम, फेरस मैग्नीज सीडी, ये ऑर्डर है। क्या क्या बेटा, कॉपर प्लस टू, डाइवेलेंट मतलब दो पॉजिटिव, फिर सीओ टू पॉजिटिव, फिर एफी टू पॉजिटिव, फिर इसके पीछे आता है एमएन टू पॉजिटिव, और लास्ट में आता है सीडी टू पॉजिटिव, तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है। हायर इज द रेशियो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, जिनका चार्ज बाई साइज रेशियो ज्यादा होता है, रेशियो से मतलब क्या है हमारा, चार्ज टू साइज रेशियो, तो इनका ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। द अबव स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो ऊपर स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाला गया है इसको ये बोर्ड में लिख के आता है, इट इज कॉल्ड इरविंग विलियम ऑर्डर। तो इरविंग विलियम ऑर्डर अगर आपको बोले तो आप इरविंग विलियम ऑर्डर किसको बताओगे, जिनमें चार्ज बाई साइज रेशियो ज्यादा होता है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और एक्सपेरिमेंटली ये डाइवेलेंट मेटल आयन के लिए हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलता है, तो ये हमारा इरविंग विलियम ऑर्डर कहलाता है, ठीक है, इरविंग विलियम ऑर्डर। इन द अबव लिस्ट बोथ सी यू एंड सी डी हैव चार्ज प्लस टू, ठीक है, जो सी यू और सी डी है देखिए इनको दिखाया, फर्स्ट और लास्ट उठा लिया उसने, सबके पास वैसे तो प्लस टू का चार्ज है, सी यू और सी डी, तो सी यू और सी डी में बोल रहा है, सी यू और सी डी पे उसने समझाया, बाकी होने के लिए तो सबके ऊपर प्लस टू का ही चार्ज है, तो उसने बस इनको समझाया। इन द अबव लिस्ट बोथ सी यू एंड सी डी हैव चार्ज प्लस टू, दोनों के ऊपर चार्ज कितना है प्लस टू, हाउएवर द आयोनिक रेडियस ऑफ सी यू प्लस टू इज 69 पिकोमीटर, ये बस जानकारी के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं याद रखने की, सी यू प्लस टू का 69 एंड दैट ऑफ सी डी प्लस टू इज 97 मीटर, ठीक है। तो देखो बेटा चार्ज तो दोनों पे सेम है, अब इसका देखो रेडियस 69 है और दूसरे का 97 है, तो जिसका रेडियस कम, क्योंकि हमें पता है चार्ज बाई साइज, तो चार्ज तो सेम है दोनों पे, साइज जिसका जितना छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो साइज इन दोनों में से सी यू और सी डी में से किसकी साइज छोटी है, सी यू की, तो इसीलिए सी यू की स्टेबिलिटी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, और सबसे कम इसकी, बाकी लोगों के रेडियस इन दोनों के बीच में आ रहे होंगे, ठीक है, बाकी इन सबके रेडियस क्या हो रहे होंगे 69। देखो इसका रेडियस कितना दिया है बेटा 69, और दूसरे वाले का रेडियस कितना दिया है 97, इसका 69 है और सीडी का रेडियस दिया है 97, तो बाकी लोगों के रेडियस इनके बीच में ही लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो जिसका रेडियस छोटा एंड दैट ऑफ सीडी प्लस टू इज दिस, द चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ इतना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस, तो देखो चार्ज टू साइज रेशियो अगर हमने सी यू प्लस टू के लिए निकाला तो ये ग्रेटर आता है किससे, सीडी टू प्लस से, चार्ज टू साइज रेशियो, देयर फॉर द सी यू प्लस टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन सी डी प्लस टू, तो हम लोग समझ ही चुके हैं। एंड सेकेंड फैक्टर इज द नेचर ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड का नेचर कैसा है, ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है, तो नेचर ऑफ लिगेंड में भी देख लो। अ सेकेंड फैक्टर दैट गवर्न स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू हाउ इजली द लिगेंड कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन, जितना आसानी से दे देगा बेटा, जितना आसानी से लिगेंड दे देगा उतनी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसे। हाउ इजली लिगेंड कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड, बेसिकली किसकी बात हो रही है, ये बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड, बेसिसिटी का मतलब क्या होता था, कितनी जल्दी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो लिगेंड जितना आसानी से लोन पेयर को डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम के पास, उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। हाउ इजली द लिगेंड कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज बेसिसिटी ऑफ लिगेंड। द लिगेंड दोज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस टेंड्स टू फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो ये बस ध्यान में रखो दिमाग में कि जो लिगेंड्स स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्गर बेसिस टेंड टू फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, वो उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, तो ये नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर हो गया। ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यूज योर ब्रेन पावर, द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के ऑफ एजीसीएन दिस वाइल डेट ऑफ फॉर द करिस्पॉन्डिंग एजीएनएस ट्वाइस इज दिस, एक्सप्लेन वाई
एजीसीएन ट्वाइस इज मोर स्टेबल, तो बेटा जो स्टेबल होगा उसका के की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस कॉम्प्लेक्स में 1.6 × 10⁻⁷ है और इस कॉम्प्लेक्स में देखो 5.5 × 10⁻¹⁸ है, तो बेटा 10⁻⁸ × 10⁻⁷ का बाप है, बाप का महाबाप है, क्योंकि ये 10⁻⁷ है, 10⁻⁸ है, तो बहुत ज़्यादा इसकी सॉलिड स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो पूछा है कि क्यों ज़्यादा स्टेबल है, तो बिकॉज स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ AgCN ट्वाइस इज मच मच लार्जर देन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ AgNH3 ट्वाइस, एंड हायर इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी मोर। तो इसीलिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हो गया, ये अपनी कॉपी में लिख लेना जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन आपको बताया, तो जो होमवर्क इसे लिख लीजिए, ठीक है। और बस अब लास्ट पार्ट पे आ जाओ चैप्टर का, एक चीज़ बचा है, बाकी सब हमने कवर कर लिया, आप चेक कर लेना। लास्ट पार्ट हमारा बस एप्लीकेशन बचा है, तो एप्लीकेशन को मैं दे देता हूँ नंबर 10। अब एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग नंबर 10 दे देते हैं, ये आखिरी चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या एप्लीकेशन है, और ये खुद भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लाइट मत लेना कि ये तो सर थियरी है, छोटा सा क्वेश्चंस इस पे भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहला एप्लीकेशन कहाँ है, बायोलॉजी के फील्ड में। बायोलॉजी के फील्ड में कैसे, देखिए, सेवरल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट नेचुरल कंपाउंड्स आर मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ज़्यादातर जो आप देखोगे ना नेचुरल बायोलॉजिकल जो कंपाउंड्स है वो कैसे होते हैं बेटा, मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नंबर ऑफ प्रोसेस अकरिंग इन प्लांट्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है। आगे देखो, फॉर कॉम्प्लेक्स, अब ये इंफॉर्मेशन देखो, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट्स इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन होता है इनके अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर आपको पता हुआ, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिलता है, हेमोग्लोबिन के अंदर बेटा क्या मिलता है, आयरन का कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं आपके, तो एप्लीकेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन, तो ये बायोलॉजी में इस तरीके से एप्लीकेशन है। मेडिसिन के फील्ड में देखो कैसे, जो हम लोग सिसप्लेटिन बनाते थे बेटा, सिसप्लेटिन क्या था, PtNH3 ट्वाइस Cl2, ये हमारे लिए सिसप्लेटिन था, सिसप्लेटिन। तो सिसप्लेटिन एक एंटी कैंसर एजेंट होता है, सिसप्लेटिन, प्लेटिनम जो है पीटी, सिसप्लेटिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो पूछ लेगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी चीज यूज होती है, तो क्या होता है, सिसप्लेटिन यूज होता है। तो ये सब क्वेश्चन है इनके अंदर। तो मेडिसिन में प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स सिसप्लेटिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज में सिसप्लेटिन को यूज किया जाता है, ये एप्लीकेशन है इसका। नेक्स्ट देखो EDTA, ये भी पूछा जा चुका है। EDTA जो होता है बेटा, लेड प्वाइजनिंग को दूर करने में काम आता है, इसके ट्रीटमेंट में EDTA यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड प्वाइजनिंग। अगर लेड प्वाइजनिंग हो जाती है तो EDTA के थ्रू उसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिलता है ना, जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल। हेमोग्लोबिन आयरन से, आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर। सिसप्लेटिन कैंसर में यूज होता है। EDTA आपका ब्लड पॉइजनिंग दूर करने में यूज होता है। तो ये सब इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा, आप सॉल्व करेंगे तो देखना है ना। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में मिलता है। हार्डनेस ऑफ वाटर निकालने के लिए भी EDTA को यूज किया जाता है, टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर, कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है उसको एस्टिमेट करने के लिए EDTA, पढ़ लेते हैं। देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu+2 NMG+2 आयन, इसकी वजह से हार्डनेस होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन्स होते हैं ना, उनकी वजह से वाटर हार्ड होता है। द लिगेंड EDTA, इनके अंदर कौन सा लिगेंड EDTA फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद Ca+2 NMG+2, इट कैन देयरफॉर बी यूज टू एस्टिमेट हार्डनेस। तो EDTA पूछ लेगा तो एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेट करने के लिए कौन काम आता है, EDTA। ये इनके साथ क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से हार्डनेस होती है बेटा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ EDTA क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जो EDTA को, सॉरी, जो आपका एस्टिमेट करता है हार्डनेस को। तो ये भी इन्फॉर्मेशन याद रखना है, ध्यान रखना है, सब जितना बता रहा हूँ सब याद रखने वाला है, ठीक है। देखो लास्ट है, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी काम आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैसे, देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जैसे देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स है ना, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने K4FeCN6, तो इसकी खासियत क्या बेटा, जब इसको वाटर में डालूंगा तो ये किस तरीके से टूटेगा, 4K+FeCN6-4, इस तरीके से टूटेगा। तो हमने क्या बताया, ये वाला पार्ट फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है, बताया ना, मतलब इसका फर्दर डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है।
लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेज है ना जिनमें थोड़ा बहुत टूट जाता है, थोड़ा बहुत टूटेगा तो थोड़ा सा तो फेरस के मेटल निकालेगा ना, तो वो यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तो वही दिया होगा इसके अंदर। देख लेते हैं क्या लिखा है। यूजुअली स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज ऑन डिजोल्यूशन डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट एंड फर्निश ए कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ मेटल आयंस। देखो वही वाली बात हो गई, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेज है अगर इसको आप डिजोल्व करोगे तो इसका बाहर वाला आयन तो टूट जाएगा, अंदर वाला पार्ट कभी भी ब्रेक नहीं होता, लेकिन स्मॉल एक्सटेंट तक ये भी टूटता है। स्मॉल एक्सटेंट में ये भी थोड़ा बहुत टूटता है, मतलब थोड़ा बहुत ही Fe प्लस को बाहर निकालेगा ये अपने मेटल आयन को, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है कि स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज जो होते हैं ऑन डिजोल्यूशन डिसोसिएट टू ए स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम ये एक्सटेंट तक टूटेगा, एंड फर्निश ए कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ मेटल आयन, कंट्रोल्ड अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में ये Fe देने का काम करेगा। तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज हो जाता है इस तरीके से, अगर टूटेगा तो, है ना। तो ध्यान रखना ये भी हल्का सा टूटता है, ये नहीं है कि पूरी तरह से नहीं, 100% नहीं रुकता। बेसिकली दो तरीके से, एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, एक इम्परफेक्ट होता है। परफेक्ट वाला कभी नहीं टूटता, लेकिन इम्परफेक्ट वाले थोड़े बहुत टूट जाते हैं। तो वही दिया है, फर्निस ए कंट्रोल सप्लाई ऑफ मेटल आयन, द मेटल आयन्स व्हेन रिड्यूस क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म द क्लस्टर ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो ये क्लस्टर बनाते हैं नैनो पार्टिकल्स का, ठीक है, बस ये जानकारी है। व्हेन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आर यूज द लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स कीप द मेटल एटम्स वेल सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर। व्हेन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आर यूज द लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स कीप द मेटल एटम सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर। ये लिगेंड क्या कर रहा है, इस मेटल एटम को उसके साथ रखा है अपना, मतलब जो दूसरी चीज है उससे दूर रखेगा। बस जानकारी है, पढ़ते रहो और ध्यान में रखो क्या करना है, बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है इतना दिमाग में रखिए, ठीक है। दीज मेटल एटम्स टेंड टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सर्फेस, बस ये ध्यान रखिए कि जो मेटल एटम्स आएगा इसके अंदर से, जो मेटल एटम निकल के आएगा, टेंड टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सर्फेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज पहले से बनी हुई है बेटा और इसके ऊपर हम लोग लाके क्या कर रहे हैं, एक नया लेयर किसी चीज का चढ़ा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। तो ये जो नया लेयर चढ़ाओगे हल्का होना चाहिए, और ये हल्का होने के लिए कंट्रोल्ड अमाउंट में हमें लेयर निकलना चाहिए। तो वही बोल रहा है, दिस मेटल आयन टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सर्फेस। जैसे अब ये एग्जाम्पल में ध्यान रखो, यहां से देखो, सर्टेन साइनाइड कॉम्प्लेक्सेज, साइनाइड कॉम्प्लेक्स मतलब सी एन जिसके अंदर आए, के ए जी सी एन ट्वाइस एंड के ए यू सी एन ट्वाइस फाइंड एप्लीकेशन इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ दिस नोबल मेटल्स। तो देखो इसके अंदर कौन सा है, सिल्वर मेटल है बेटा, इसके अंदर गोल्ड है। तो सिल्वर की अगर मुझे पत्ती चादर चढ़ानी होगी, इसके ऊपर लेयर बनानी होगी अगर, तो मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज करूंगा, इस कॉम्प्लेक्स को। और मान लो अगर मुझे गोल्ड का, गोल्ड की लेयर इसके ऊपर चढ़ानी है, इसके सरफेस पे गोल्ड लेयर, तो फिर मैं कौन सा यूज करूंगा, के यू एस एन प्राइस। तो एक कंट्रोल्ड अमाउंट में क्या करते हैं लोग, निकालते हैं अपने मेटल्स को, क्योंकि इनका पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं होगा, तो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आएगा। जैसे यहां से सिल्वर निकल सकता है, यहां से गोल्ड भी निकल सकता है, इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग आराम से करा सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चैप्टर हमारा पूरी तरह से यहाँ बेटा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चाहें तो हम लोग एक्सरसाइज में ये जो हमने दो टॉपिक पढ़ा उनके बेसिस पे कोई क्वेश्चंस हो तो देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करो तो ये सब ऑलरेडी हमारा डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना। तो इधर आ जाओ अगर, तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चंस कहीं है क्या। ये देखो ये वाला, मेंशन टू एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दो एप्लीकेशन मेंशन कर दो बेटा। कौन कौन से कर दोगे, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो मैंने बताया कि स्मॉल अमाउंट में वो फर्निश करेगा थोड़े से मेटल आयन को जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आएगा, एक एप्लीकेशन वो हो गया। दूसरा एप्लीकेशन आपका मेडिसिन में बता दो, सिस्प्लेटिन एज ए कैंसर, एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज किया जाता है वो बता सकते हो, है ना। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन मिलता है वो भी बता सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन लिख ही लोगे। अंदर चलो और देखो कोई क्वेश्चन छूटा है क्या, ये सब हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये भी हो गया। देखो, हाउ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हाइयर इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अभी हमने पढ़ी लिया ये चीजें, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, स्टेबिलिटी किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तीन एग्जांपल जो किताब में दिए थे उनको लिख लो, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। लास्ट देखो, नेम द फैक्टर्स गवर्निंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं बेटा। तो सबसे पहला क्या था, चार्ज टू साइज रेशियो, इसका ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का चार्ज टू साइज रेशियो सबसे पहला फैक्टर, और सेकंड पहला फैक्टर ये था। सेकंड फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ लिगेंड,
जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है नेचर ऑफ लिगेंड। तो नेचर ऑफ लिगेंड में जितना जल्दी से नेचर, जितनी भी एसिडिटी ज्यादा होगी लिगेंड की, उतना अच्छा स्टेबल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट या उसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट उतना ज्यादा होगा। और चार्ज टू साइज रेशियो में वही विलियम इरविंग, इरविंग विलियम जो ऑर्डर है, इरविंग विलियम ऑर्डर अभी हमने देखा था ना, ये वाला इरविंग विलियम ऑर्डर, ये फैक्टर और नेचर ऑफ द लिगेंड, ये दो फैक्टर ये हमारे गवर्न करते हैं स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को कैसे, और ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट वाले इफेक्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर को पूरी तरह से बेटा आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक वाला कंपाउंड शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब आपका काम है कि एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं इसको एक कॉपी में नोट्स बनाओ और अच्छे से सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आंसर्स के साथ लिख के कॉपी बनाइए और मुझे ग्रुप में भेजिए। आप 5-6 दिन इस हफ्ते के अंदर में पूरा करके इसे सबमिट कर दीजिए, ठीक है। चल तो अब हम लोग आपका डी एंड एफ ब्लॉक मेटल कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।